Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं आशीष सोनी जुड़ गया हूँ आप सभी लोगों के साथ मेजरमेंट की टेक्निकल क्लासेस को लेकर फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कंबाइंड स्टूडेंट्स. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं. सभी लोग फटाफट आ जाइए, जितने लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट थे और अभी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं फटाफट ऐड अप हो जाइए और हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जो है हमारी मेजरमेंट की. और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ेंगे. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जितना हो सकता है उतना मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो बेटर है. उससे पहले हमारा अभी रेशियो मीटर बचा हुआ है और मेगर बचा हुआ है. तो रेशियो मीटर और मेगर दोनों ही PMMC के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, वर्क्स ऑन PMMC प्रिंसिपल. तो उन दोनों को पढ़ाना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद रेशियो मीटर और ओम मीटर के बाद हम आगे चलेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पर. ठीक है, ईशान कुमार मैकेनिकल की क्लास 12 बजे से 3 बजे होती है और नीचे शेड्यूल दिया हुआ है यार, वीडियो के नीचे पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है मिस्टर ईशांत कुमार, देख सकते हो. पूछने से पहले नीचे शेड्यूल पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद पूछा करो. ठीक है, चलो. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जितेंद्र यादव, पुष्पेंद्र चहर, आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हैं? चलो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाएं तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का. अच्छे से पढ़ाई कीजिए सभी लोग. ठीक है, पावर कांस्टेंट होती है धर्मेंद्र बुंदेल, ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होती है दोनों साइड में. ठीक है, ट्रांसफार्मर में पावर कभी नहीं चेंज होती. मृत्युंजय यादव, यूपी पुलिस की पढ़ाई नहीं हो रही है. ठीक है, अभी नहीं हो रही है इस समय. चलो, वेरी गुड, ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंट हो चुके हैं. तो नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक रेशियो मीटर या ओम मीटर. इसको हम बोलते हैं रेशियो मीटर, इसी को हम बोलते हैं ओम मीटर. सो सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस. यह रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है अप टू 100 किलो ओम. 100 किलो ओम तक रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ PMMC. यह PMMC के सिद्धांत पर कार्य करता है. ठीक है, कहने का मतलब PMMC में एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है. वहां पर दो पोल्स रखे होते हैं एन और एस. उन दो पोल्स के बीच में आपका क्या होता है, कोर या फॉर्मर होती है. उस कोर या फॉर्मर पे कॉइल लपेटी गई होती है और जैसे ही उस कोर या उस कॉइल पर करंट बहती है तो जो आपका कोर होता है वो डिफ्लेक्ट करता है और डिफ्लेक्ट करने पर आपका रिकॉर्ड कर देता है जितना भी आपने जिस क्वांटिटी को भी आप मेजर करना चाहते हो, वोल्टेज को या करंट को. यहां पर रेशियो मीटर रेजिस्टेंस मेजर करेगा. ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेगा, आइए देखते हैं इसका फिगर, उसके बाद इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस मेजर करेगा.
ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर देखो, उस फिगर के बाद सभी लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसके बीच में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, और इसके बीच में आपकी दो कॉइल्स हैं, ठीक है, दो कॉइल्स, एक कॉइल है C1 और दूसरी कॉइल है आपकी C2, दो कॉइल हैं, सॉरी दो आपका ये कोर्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए होते हैं, ये ध्यान देना, दोनों एक दूसरे से, ये दोनों जो आप देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए होते हैं, ठीक है, और इस पर कॉइल बंधी होती है, तो इस पर मैं कॉइल बांध देता हूँ, और इस पर भी एक कॉइल बंधी होती है, फिगर ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। इनका डिफ्लेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, जैसे ये मूव करेंगे तो इनका डिफ्लेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है। देखो, ये मैंने पॉइंटर लगा दिया, ये आपकी स्केल हो गई, ठीक है, इसमें इन्हीं कॉइल से जोड़ के ये आपके दो टर्मिनल बाहर निकल के आ गए हैं, ठीक है, ये आपकी कॉइल C1 हो गई और ये आपकी कॉइल C2 हो गई, ठीक है। डिफ्लेक्शन देखो, फ्लक्स के साथ जो ये एंगल बनाएगा, ये कॉइल C1 जो एंगल बनाएगा फ्लक्स के साथ, उस एंगल को मान लो थीटा, इस फ्लक्स के साथ जो कॉइल C1 एंगल बनाएगा वो कॉइल बना रहा है आपका थीटा, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है आपका थीटा एंगल बना रहा है, सभी लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, UPPCL में JEE की वैकेंसी बिल्कुल आएगी। चलो देखो, कितना एंगल बना रहा है कॉइल C1 फ्लक्स के साथ, एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और डिफ्लेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है स्केल पर, ठीक है। अब इनको किसके बीच में रखा गया है, फील्ड पोल्स, आपके जो ये मैग्नेटिक पोल्स है ना नॉर्थ एंड साउथ के बीच में रखा गया है, जैसे ही आप इसमें सप्लाई करंट फ्लो कराओगे वैसे ही आपका डिफ्लेक्शन होगा और वो डिफ्लेक्शन आपका रिकॉर्ड करेगा। यहां पर अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा, आगे एक और फिगर बनाऊंगा उसमें यहां पर रेजिस्टेंस लगा दूंगा, एक रेजिस्टेंस आपका नोन होगा, दूसरा अननोन होगा, और आपको समझ में आ जाएगी क्वांटिटी कैसे मेजर होती है, ठीक है। अभी हाल सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल देखिए, इसके बाद ये अभी रेशियो, ये PMMC का प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं, अभी मैं रेशियो मीटर नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, रेशियो मीटर का फिगर अलग है, ये PMMC के प्रिंसिपल पर कैसे काम कर रहा है ये मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखो, अब आपका टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 1 जो कॉइल C1 कॉइल में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह कितनी, किसकी वजह से, करंट I1 की वजह से, C1 कॉइल में करंट I1 फ्लो हो रही है, C2 कॉइल में करंट I2 फ्लो हो रही है, ठीक है। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 1 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स डेंसिटी NbIa, करंट I1 जो फ्लो हो रहा है C1 में, इंटू A, एरिया, इंटू साइन थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो पहला एंगल हो गया आपका साइन थीटा, क्योंकि आपने करंट आपका कितना एंगल है पता होगा आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, F = BIL साइन थीटा, ठीक है, तो NbIa साइन थीटा हो जाएगा, NbI1a साइन थीटा। अब अगर कॉइल C2 की बात की जाए तो C2 कॉइल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, करंट I2, एरिया सेम, और आपका साइन 90 - थीटा होगा। क्यों साइन 90 - थीटा होगा भाई, क्यों साइन 90 - थीटा होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों C1 और C2 आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, अगर एक फ्लक्स के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो दूसरा फ्लक्स के साथ 90 - थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, एक फ्लक्स के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दूसरा फ्लक्स के साथ 90 - थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर TD2 की अगर बात की जाए तो TD2 हो जाएगा NB (I2)A (cos θ), ये हो जाएगा आपका NB, आपका हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दूसरे कॉइल में। अब बैलेंस कंडीशन में, एट बैलेंस कंडीशन दोनों ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर, एट बैलेंस कंडीशन दोनों ही बैलेंस कंडीशन में, जब दोनों ही कॉइल आपस में डिफ्लेक्ट करने पर बैलेंस पोजीशन पर आएंगे तभी आपका मेजर जो मेजरमेंट है वो रिकॉर्ड होगा। तो TD1 = TD2 NbI1a साइन थीटा बराबर NbI2a cos थीटा NbA कट जाएगा NbA कट जाएगा, और आप क्या देख रहे हैं, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ध्यान देना, क्या देख रहे हो आप कि I1 साइन थीटा बराबर क्या है I2 cos थीटा। अगर आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो यह आ जाएगा I2 / I1, टेन थीटा बराबर में हो जाएगा I2 / I1। और आप यहां पर देखो, अगर इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर छोटा है तो थीटा, टेन थीटा बराबर किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा
tan theta is approximately equal to theta और आपका क्या हो जाएगा theta बराबर में I2 बटा में I1, ये आप सभी लोगों को दिख रहा होगा theta deflection किसके बराबर है, deflection है current I2 बटा में I1 के बराबर है। सभी लोगों को ये समझ में आया या नहीं यहाँ तक फटाफट बताओ, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया या नहीं फटाफट बताइए, फिर से समझने की कोशिश करो। देखो दो कॉइल्स आपकी हैं, आशीष कुमार गर्ग देख रहा हूं यार बार बार देखता हूं, देखो दो कॉइल आपकी हैं, एक कॉइल C1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है, C2 में करंट I2 फ्लो हो रहा है मान लो, ठीक है C1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो है NB I1 a sin थीटा, और कॉइल C2 में TD2 जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो NB I2 a क्योंकि उसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है उसका एरिया a है, और यह कॉइल C1, यह कॉइल C2 C1 से 90 माइनस थीटा डिग्री का एंगल बना रही है क्योंकि C1 फ्लक्स के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दूसरा कॉइल दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दूसरा फ्लक्स के साथ 90 माइनस थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आप इस थीटा की बात करेंगे तो यह 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है क्योंकि आप दोनों कॉइल एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसीलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 2 आ गया एन बी आई टू ए कॉस थीटा, बैलेंस कंडीशन में दोनों को बराबर कर दिया और यहां पर आपका निकल गया tan थीटा बराबर I2 बटा में I1। अगर थीटा स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल कहने का मतलब क्या है, tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1 अपॉन √3, जैसे जैसे थीटा का मान आप घटाते चले जा रहे हो वैसे ही tan थीटा की वैल्यू आपकी घटती चली जा रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर थीटा छोटा होगा तो हम tan थीटा बराबर थीटा बोल सकते हैं क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है पता होगा आप सभी लोगों को। अब यहां पर थीटा बराबर क्या निकल के आ गया I2 बटा में I1 निकल के आ गया, ठीक है सभी लोगों को इतना समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया या नहीं फटाफट बताओ, चेतन देवरा मैंने दो बार समझा दिया है, दो बार दोनों बार आप ध्यान से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं शायद इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है चलो वेरी गुड। जिन लोगों को नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को बैक करके बार बार देखने की कोशिश करो, एक या दो बार में आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं अगर समझ में आ रहा तो कॉप किताब उठाइए, ठीक है बुक किताब मेजरमेंट की किताब उठाओ और जितना मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे अपनी किताब में इस रेशियो मीटर को देखते चले जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इन सारे पॉइंट्स को अपनी अपनी कॉपी में जरूर अपनी अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी DFCCIL के एक क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया था कि मेगा ओम मेगा मेगर को आप इसमें से क्या बोल सकते हो, मेगर को चार ऑप्शन दिया गया था कि मेगर को आप क्या और क्या कहा जा सकता है, उसमें ऑप्शन में रेशियो मीटर भी था, उसमें ऑप्शन में वोल्ट मीटर भी था, और उसमें एक मेगा ओम मीटर था, तो रेशियो मीटर सॉरी मेगर को आप मेगा ओम मीटर भी बोल सकते हैं जो भी मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है रेशियो पीएमएमसी खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखो अब रेशियो मीटर का फिगर देखो, रेशियो मीटर का फिगर मैं बनाने जा रहा हूं, यह आपका वोल्टेज है वी, कैसे ये रेजिस्टेंस मेजर करेगा सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा, बस फिगर ध्यान से देखते रहिए, ठीक है रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेगा, दोनों कॉइल्स में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है दोनों कॉइल्स में, ठीक है दोनों कॉइल्स, ये इसमें कॉइल बंधी हुई है और इसमें ये कॉइल बंधी हुई है, दोनों कॉइल्स में रेजिस्टेंस लगा दिया, एक मान लो आर है एक एस है, एक आर है और एक एस है, ये आपका टेस्ट रेजिस्टेंस है जो आपको पता नहीं है, और ये आपका नोन रेजिस्टेंस है जो आपको पता है, ये आपका एस आपका नोन है, ठीक है मान लो एस आपका नोन है, इसमें करंट आई टू फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई वन फ्लो हो रहा है, ठीक है करंट आई टू फ्लो हो रहा है इसमें और करंट इसमें आई वन फ्लो हो रहा है, ये कॉइल सी वन है और ये कॉइल सी टू है, ठीक है कॉइल सी वन और कॉइल सी टू, ठीक है अब ध्यान दो इधर, थीटा बराबर मैंने क्या बोला I2 बटा में I1, यही ना बोला अभी अभी थीटा बराबर I2 बटा I1, अभी हम लोगों ने यही निकाला है,
अब I2 क्या है, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, I2 क्या है, करंट I2, देखो ये वोल्टेज है और इसके पैरेलल में ही है ये I2, I2 आपके देखो ये ब्रांच इसके पैरेलल में ही है ना, तो क्या हो जाएगा I2 बराबर V बटा S लिख सकते हैं, I2 बराबर हम लिख सकते हैं V बटा S, I2 बराबर हो गया V by S, I1 क्या है V बटा R है भाई, R1, I1 क्या है ये वाली ब्रांच इसके पैरेलल में ही है, तो I1 क्या हो जाएगा वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, अब थीटा बराबर निकालो क्या हो जाएगा V बटा S बटा में V बटा में R, V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अननोन रेजिस्टेंस R, क्या देख रहे हो यहां से थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अननोन रेजिस्टेंस R, सभी लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, रेशियो मीटर है इसका नाम, ठीक है मुकेश शर्मा, समझ में आ गया सभी लोगों को यहां पर, राधाराम शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सभी लोगों को दिख गया होगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे ही आप इससे किसी स्केल को कनेक्ट करोगे वह स्केल आपका डिफ्लेक्शन बता देगी कि कितना डिफ्लेक्शन है, ठीक है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बता देगी, ठीक है स्केल पर, क्लियर हो गया सभी लोगों को, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, देखो एक बार फिर से बता देते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया, V अप्लाइड वोल्टेज V है, करंट I2 की वैल्यू अगर निकालना है तो ये ब्रांच इसी इस वोल्टेज के साथ पैरेलल में है, तो अगर I2 की बात की जाए तो I2 हमारा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है S, S है आपका रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस नोन रेजिस्टेंस, और सिमिलरली I1 क्या है आपका V डिवाइडेड बाय R है, I1 आपका V डिवाइडेड बाय R हो गया, अब यहां से इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दीजिए और आप देख रहे हैं कि थीटा इज थीटा आपका किसके बराबर आ रहा है R बटा S के बराबर हो रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AR के बराबर हो रहा है, ठीक है समझ में आ गया, अभिराज पटेल लोको पायलट के हिसाब से नहीं, जो हाईएस्ट आपका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में हाईएस्ट आपका एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है तो इसमें लो भी है और इसमें हाई भी है, इसमें बेसिक भी है और इसमें हाई लेवल भी है, तो आप देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या है, आपको कितना क्या इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में और उसके हिसाब से पढ़ो यहाँ पर, तो ये तो था हमारा रेशियो मीटर, अब नेक्स्ट है आपका मेगर, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए मेगर, नेक्स्ट है आपका मेगर, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में मेगर, मेगर इज नथिंग बट इट इज अ मेगा ओम मीटर, यह एक मेगा ओम मीटर, इसको हम मेगा ओम मीटर भी बोलते हैं, अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना, ये मेगा ओम मीटर भी बोलते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा इट इज यूज्ड टू मेजर यह आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका मेगा ओम में होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, किसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका जनरेटर की वाइंडिंग का मोटर की वाइंडिंग का, जनरेटर वाइंडिंग मोटर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एक्सेट्रा, वाइंडिंग रेजिस्टेंस इंसुलेशन वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाइंडिंग का मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है एक मेगा ओम मीटर है, यह इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है किसका जनरेटर वाइंडिंग मोटर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही कई बार पूछा जा चुका है और हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछ ही लेता है कि मेगर किस रेंज में रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो मेजर करता है मेगा ओम रेंज में, किस रेंज में मेगा ओम रेंज में, अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना मेगा ओम रेंज में मेजर करता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें एक हैंड ड्रिवन जनरेटर यूज होता है वोल्टेज सप्लाई के लिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा हैंड ड्रिवन जनरेटर यूज होता है वोल्टेज की सप्लाई के लिए, जो वोल्टेज जनरेट करता है 2000 वोल्ट के आसपास आपका वोल्टेज जनरेट करता है, उस हैंड ड्रिवन जनरेटर को 120 आरपीएम पर लगभग घुमाया जाता है, हैंड ड्रिवन जनरेटर को लगभग 120 आरपीएम पर घुमाया जाता है, 2000 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करता है और आपका कितना किस रेंज में रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो मेगा ओम के रेंज में रेजिस्टेंस को मेजर करता है, प्रॉपर्टी जैसा मैं भी मैंने एक रेशियो मीटर बताया था इसका वर्किंग सेम है उसकी तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है सभी लोगों को समझ में आ गया, इसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, क्लियर सभी लोगों को, तो मेगर था ये, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज मूविंग आयरन, अब नेक्स्ट आ जाओ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट वन इज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है
मूविंग एरर इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग आ जाते हैं। प्रीवियस क्लास में मूविंग एरर इंस्ट्रूमेंट हो नहीं पाया था, अब आज हम मूविंग एरर इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ठीक है। डीसी जनरेटर इंजमाम पीएम डीसी जनरेटर यूज किया जाता है, हैंड ड्रिवन जनरेटर जो होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है इंजमाम, हैंड ड्रिवन जनरेटर जो होता है, हैंड ड्रिवन जनरेटर वो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है, पीएम डीसी जनरेटर लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी। हैंड ड्रिवन जनरेटर जो यूज होता है वो पीएम डीसी जनरेटर होता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, ठीक है। दूसरा, हाँ वही संदीप भारद्वाज, 120 आरपीएम से लेके 160 आरपीएम इसकी रेंज में ही होता है, 120 आरपीएम से लेके 160 150 आरपीएम तक बोल सकते हैं, 120 आरपीएम से 150 अलग अलग के लिए अलग अलग है। दूसरी चीज, ठीक है ओके 160 आरपीएम। प्रवीण मीना आरपीएम है 120 इज आरपीएम, 120 आरपीएम, यहाँ पर कुछ लोग 160 आरपीएम भी बोल रहे हैं, तो रेंज यही होती है, ठीक है, 150 आरपीएम के आसपास की रेंज होती है। चलो वेरी गुड, हैंड ड्रिवन जनरेटर जो यूज कर रहे हैं वो है आपका पीएम डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर यूज करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके संदीप भारद्वाज, आई अंडरस्टूड 160 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहां पर आयरन मूव करेगा, आपका आयरन मूव करेगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का मतलब आयरन मूव करेगा। यह एसी एंड डीसी दोनों क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यह एसी और डीसी दोनों क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर बोथ एसी एंड डीसी, या दोनों क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इन केस ऑफ एसी मेजर्स आरएमएस क्वांटिटी, या आरएमएस क्वांटिटी मेजर करता है, एसी के केस में या आरएमएस क्वांटिटी मेजर करता है। नेक्स्ट, कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही सारे बहुत सारे पॉइंट है, मैं पॉइंट बोलता जाऊंगा, अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाइए, और वैसे भी मैंने इसके पॉइंट्स को अवेलेबल करा दिया है आपके पीडीएफ में, ठीक है। हाँ ओके संदीप भारद्वाज, मैं समझ गया, 160 आरपीएम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन, एसएससी जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि कई किताबों में आपको 150 आरपीएम के आसपास की रेंज मिलेगी, एग्जैक्ट आपका किसी किताब में मैंने पढ़ा था 120 आरपीएम दिया हुआ था, 160 आरपीएम ही आपका एसएससी जेई 2015 में आपका क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ 160 आरपीएम के आसपास, ठीक है, 160 आरपीएम के आसपास इसकी स्पीड होती है हैंड ड्रिवन जनरेटर की, ठीक है। धर्मेंद्र बुंदेल, वाईफाई स्टडी, देखो पावर आइडियली आइडियल बात करते हो यार, कोई भी चीज की बात आइडियल करते हो, प्रैक्टिकल बात नहीं की जाती है, प्रैक्टिकली तो हर चीज में लॉस होगा ही होगा, जाहिर सी बात है कि अगर आप इनपुट पे पावर कुछ दोगे तो आउटपुट पे पावर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन स्मॉल डिफरेंस होता है, उतना डिफरेंस निगलेक्ट कर दिया जाता है। अगर 33 MVA का जनरेटर है तो 33 MVA का ट्रांसफार्मर है अगर, तो 33 MVA इनपुट पे आएगा और 33 MVA ही आउटपुट पे रहेगा, यही होना चाहिए, ठीक है। पावर शुड बी कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी शुड आल्सो बी कांस्टेंट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं होती है। पावर ट्रांसफार्मर में नहीं, सारे ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होती है, पावर ट्रांसफार्मर में ही नहीं, सारे ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होती है, ठीक है, सिर्फ पावर ट्रांसफार्मर में नहीं होती। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले फिगर देखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का फिगर देखो, आपने वोल्टेज दे दिया, ठीक है, ये आपकी वाइंडिंग है जिसमें आप सप्लाई देते हो करंट आई,
जैसे ही आप एसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स में आपका आयरन की एक कोर रख देते हैं हम, आयरन की कोर जिसका कुछ पार्ट कट कर रहा है कुछ पार्ट कट नहीं कर रहा है। ये देखो इतना पार्ट कट कर रहा है और इतना पार्ट कट नहीं कर रहा, ठीक है। इससे आप क्या लगा देते हो, इससे आप स्केल लगा दिया आपने, पॉइंटर और स्केल कनेक्ट कर दिया जो आपका डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है स्केल पर, पॉइंटर लगा दिया जो आपका डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। दिस इज पॉइंटर, दिस इज स्केल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराता है, स्प्रिंग कंट्रोल। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराता है, स्प्रिंग कंट्रोल। डैम्पिंग कौन सी यूज की जाती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है दोस्तों, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये आपका इससे कनेक्ट हो गया पिस्टन, दिस इज पिस्टन, डैम्पिंग इज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये तो था आपका मूविंग आयरन, मूविंग आयरन का इंस्ट्रूमेंट का फिगर। ये आपकी फिक्स्ड कॉइल है, कॉइल आपकी फिक्स्ड होती है इसमें, और आपका मूविंग आयरन, ये आपका मूविंग आयरन है, मूविंग आयरन। सभी लोग ये अपनी अपनी कॉपी में ये फिगर बना लीजिए जैसा आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो यहां पर सभी लोग देखो यहां पर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, पता है मुझे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दिस इज अट्रैक्शन टाइप, दिस इज अट्रैक्शन टाइप, ये अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का फिगर है, ठीक है। अब देखो इधर कैसे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल एवरेज वैल्यू मेजर करता है, सिकंदर कुमार, सिर्फ डीसी वैल्यू मेजर करता है। देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या किया आपने, सप्लाई दिया, वोल्टेज सप्लाई दिया, अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया, आपका फ्लक्स जनरेट हुआ, उस फ्लक्स के एरिया में आपका मूविंग आयरन है। जैसे ही ये पार्ट कट करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस आयरन के पीस में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उसी का अपोज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उसी का अपोज करता है। कहने का मतलब इस मूविंग आयरन का अपोज करेगा, मूविंग आयरन का अपोज करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, रोटेट करेगा इधर डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो आपको पॉइंटर पे क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द करंट टू बी मेजर्ड, जिस आप रेशियो में करंट मेजर करना चाहते हैं उतना ही डिफ्लेक्शन आपको स्केल पर पता चल जाएगा। कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड होता है, तो आपका स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है। कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, तो आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, ठीक है। ये तो था आपका वर्किंग, किसका वर्किंग था, ये आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का वर्किंग था। क्लियर हो गया सभी लोगों को, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का वर्किंग था। नेक्स्ट है आपका रिपल्सन टाइप, तो रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो सेम, जैसे ही होते जैसे है वैसे ही है। उसमें क्या होगा, उसमें एक दो डिस्क होती है, ध्यान रखना, उसमें जो डिस्क होती है आयरन की डिस्क एक दो होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक मूवेबल होती है, उसमें दो डिस्क होती है। तो आपका दोनों में ही एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक आपका दूसरा आपका मूवेबल है, एक फिक्स्ड है, तो जैसे ही आपका लिंक करेगा वैसे ही आपका जो मूविंग डिस्क है वो फिक्स्ड डिस्क को रिपेल करेगी, या तो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में रिपेल करती है, और रिपेल करती है तो आपका वहां पर डिफ्लेक्शन नोट किया जा सकता है। मैं फिगर बना के आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, फिगर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज रिपल्सन टाइप, ये आपका क्रॉस आ गया इधर, वाइंडिंग क्रॉस वाइंडिंग, उधर डॉट वाइंडिंग, ठीक है। सप्लाई दे रहे हो आप, वोल्टेज सप्लाई, दिस इज वोल्टेज सप्लाई वी, ठीक है, क्रॉस उधर है डॉट उधर है। फिक्स्ड वेन है, दो वेन होती है, फिक्स्ड वेन एंड मूविंग वेन, फिक्स्ड वेन, ये आपकी फिक्स्ड वेन है, फिक्स्ड वेन,
ठीक है, और नेक्स्ट इसी पे आपकी मूविंग वेन कनेक्टेड है, मूविंग वेन इसी पर आपकी कनेक्टेड है, दिस इज मूविंग वेन, इसी मूविंग वेन पर क्या है आपका पॉइंटर, ये स्पिंडल, आपका स्पिंडल पे आपका क्या कनेक्टेड है, पॉइंटर कनेक्टेड है, स्पिंडल पे ही आपका क्या कनेक्टेड है, पॉइंटर कनेक्टेड है, ध्यान देना, स्केल, दिस इज पॉइंटर, कौन सी बियरिंग यूज की जाती है, जेवल बियरिंग फॉर रिड्यूसिंग वियर एंड टियर, सभी लोगों को ये पहले ही बता चुका हूं मैं, दिस इज फिक्स्ड वेन, दिस इज मूविंग वेन, मूविंग आयरन बोल लो, मूविंग आयरन, फिक्स्ड वेन एंड मूविंग आयरन, और नेक्स्ट है आपका, हाँ ये स्पिंडल हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, देखो ये फिगर है आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट का, जी हाँ बिल्कुल सही, देखो ये फिगर है आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट का फिगर है, ये आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, अट्रैक्शन टाइप में बता चुका हूं, देखो इधर जैसे ही आपका ये सप्लाई दोगे तो आपका क्रॉस और डॉट दो है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका जो फिक्स्ड वेन है उस फिक्स्ड वेन में आपका ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो फिक्स्ड वेन से आपका मूविंग वेन आपका रिपेल करेगी, और रिपेल करेगी तो डिफ्लेक्ट करेगी, और डिफ्लेक्ट करेगी तो स्पिंडल पे ही आपका पॉइंटर कनेक्टेड है, उसी जिस पर मूविंग वेन आपकी कनेक्टेड उसी पर आपका पॉइंटर कनेक्टेड है, और पॉइंटर आपका स्केल पर रिकॉर्डिंग मेजर कर देगा, पॉइंटर आपका स्केल पर रिकॉर्डिंग मेजर कर देगा, दिस इज द फिगर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द फिगर ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। गजेंद्र कुमार देखो डीपली पढ़ाने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग मैंने बता दी, वर्किंग की वर्किंग भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, जितना एग्जामिनेशन में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाता है वो वही मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मूविंग आयरन से रिलेटेड करवा दूंगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला करवा दूंगा, ठीक है, इससे ज्यादा डीपली पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, जितना एग्जामिनेशन में आए उतना ही पढ़ो, डीप पढ़ के कुछ हो नहीं जाएगा, वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए कि वर्किंग कैसी है, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग कैसे है और डीप जाने की जरूरत नहीं है, और डीप की आपका कैसे फ्लक्स जनरेट हो रहा है या कैसे पॉइंटर मूव हो रहा है, पॉइंटर का आपका मटेरियल पता है, पॉइंटर लाइट वेटेड होना चाहिए, आपको पता है कि टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होना चाहिए इस तरीके के रिपल्सन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट में, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बस डीप में इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, एग्जामिनेशन में जितना पूछा जाता है वही आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो राजवीर सिंह, जैसे आप इसमें सप्लाई दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, वह मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स्ड वेन में एक ईएमएफ क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो वह उसी क्वांटिटी का अपोज करता है, तो उसी के अक्रॉस एक मूविंग आपका वेन कनेक्टेड है, मूविंग वेन कनेक्टेड है, तो जैसे ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो मूविंग वेन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने पर ही आपका पॉइंटर पे जो भी डेटा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा जिस क्वांटिटी में आप डेटा को मेजर करना चाहते हो, ठीक है, ये आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का फिगर है। नेक्स्ट आपका डैम्पिंग, इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, पीछे वाले फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इस फिगर में डैम्पिंग नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो आपको फिगर आपको जो एकदम एग्जैक्ट फिगर है वो आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है, उसमें देख सकते हो आप कि जो डैम्पिंग यूज होती है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, पीछे वाले फिगर में आप देख सकते थे। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराता है, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग प्रोवाइड कराता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराता है, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया ये। चलो नेक्स्ट है आपका, आप देखो यहां पर पॉइंट टू बी रिमेंबर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला लिख लो इस फिगर में, इसके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो इंपॉर्टेंट है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से फॉर्मूला एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, टीडी इज इक्वल्स टू 1/2i² dl/dθ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, टीडी इज इक्वल्स टू 1/2i² dl/dθ, सभी लोगों को यह दिख रहा है, TD is equals to 1/2i² dl/dθ, I है यहां पर करंट, जो करंट है आपका, L है आपका इंडक्टेंस वैल्यू, थीटा है आपका डिफ्लेक्शन एंगल,
डिफ्लेक्शन एंगल। अब देखो मैंने यहां पर बताया कि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराता है, स्प्रिंग कंट्रोल, तो TC इज इक्वल टू K थीटा हो गया एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, TD बराबर हो जाएगा TC K थीटा बराबर, सॉरी TC इज इक्वल टू TD, K थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टू आई स्क्वायर DL बाई D थीटा, यानी कि थीटा आप क्या देख रहे हो इस प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। कहने का मतलब स्केल क्या है इसकी, स्केल आपकी है नॉन लीनियर, स्केल इज नॉन लीनियर, स्केल इज नॉन लीनियर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्केल कैसी है, स्केल इसकी नॉन लीनियर स्केल है। क्लियर सभी लोगों के, सभी लोगों को क्लियर है, न्यूमेरिकल भी आएगा। जी हाँ अनिता शर्मा, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, और मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, आप चिंता मत करो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है। चलो सभी लोगों को ये समझ में आ गया स्केल कैसी है आपकी, स्केल इसकी नॉन लीनियर स्केल है, क्लियर। इसकी स्केल कैसी है, नॉन लीनियर स्केल है, थीटा हो गया आई हो गया, इसकी स्केल नॉन लीनियर स्केल है। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में फिगर बना लेना, स्केल इज नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म स्केल और नॉन लीनियर स्केल, क्लियर। क्लियर सभी लोगों को, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कशन कर दूं। आरएमएस करंट मेजर करता है, ठीक है, आरएमएस करंट को मेजर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज करो कि अगर आप आई बराबर सपोज कीजिए कि अगर आप आई टी बराबर आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी प्लस में आई टू साइन ओमेगा टी प्लस में डॉट डॉट ये करंट पास कराते हो, तो मूविंग आयरन जो मेजर करेगा आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा अंडर रूट में आई नॉट का स्क्वायर प्लस वन बाई टू आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 जितने भी वैल्यू ऑफ करंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जामिनेशन में बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूले से, अंडर रूट में पूरे का अंडर रूट है ये ध्यान रखना, आई नॉट का स्क्वायर प्लस वन पॉइंट टू आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व कीजिए, एसएससी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, करंट आई टी इज इक्वल्स टू एसएससी जेई में ही क्वेश्चन आया हुआ है, करंट आई टी इज इक्वल्स टू फाइव प्लस फोर साइन ओमेगा टी प्लस थ्री साइन ओमेगा टी ओमेगा टू टी ओमेगा वन टी, और ये आपका करंट की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, करंट आई टी इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर साइन ओमेगा वन टी प्लस थ्री साइन ओमेगा टू टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, कैलकुलेट फटाफट, कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, इसमें डिस्कनेक्ट हो गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस स्टूडेंट्स। तब तक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, बता चुका हूं, स्प्रिंग प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग टॉर्क, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, स्केल नॉन लीनियर होती है, आर एम एस क्वांटिटी मेजर करता है, आई आर एम एस बराबर आई आर एम एस आपको पता है कि जो भी एवरेज लिए उसका अंडर रूट ले लो फंक्शन का स्क्वायर करके, करंट आई टी का स्क्वायर करके, तो वहां से आई आर एम एस निकल आ जाएगा। आयरन डिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरन डिस्क यहाँ पर निकिल आयरन अलॉय की बनी होती है जिसका लो हिस्टेरेसिस एरिया होता है, और जिसकी वजह से अगर हिस्टेरेसिस की वजह से कोई एरर हो तो उसको मिनिमाइज किया जा सके। एडी करंट, यह एडी करंट एरर से फ्री होता है 125 हर्ट्ज तक, 125 हर्ट्ज तक के
करंट की वैल्यू को मेजर कर सकता है. एडी करंट एरर बिकम्स कांस्टेंट बियॉन्ड 125 हर्ट्ज़, हेंस मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स आर सूटेबल अप टू 125 हर्ट्ज़. 125 हर्ट्ज़ तक करंट या वोल्टेज की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सूटेबल होता है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन के में जो पूछी जा चुकी हैं. ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है, कितने हर्ट्ज तक की करंट या वोल्टेज को मेजर करता है? 125 हर्ट्ज तक के करंट या वोल्टेज की क्वांटिटी को मेजर करता है. ये क्लियर? रूट 75, ओके, 6.123. ठीक है. देखते हैं, चलो, वेरी गुड. देखो, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आई नॉट का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट? What is the value of I naught? I naught is 5. 5 का square plus 1 by 2, 4 का square plus 3 का square, और 4 का square plus 3 का square आपको पता है ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16 और 9 25, 25 upon में 2. It is under root में 75 upon में 2. Under root में 75 upon में 2, और इसको calculate कर दो. Approximate 6 ampere आपका answer आएगा. Approximate 6 ampere के आसपास. 6 एम्पियर के आसपास करंट आएगा, 6 एम्पियर के आसपास आएगा, 6.123 एकदम एग्जैक्ट है, सही है आपका आंसर. ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, 6.123 बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट, टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे ज्यादा पूछा जाए किसमें होता है? तो टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे ज्यादा पीएमएमसी में होता है, उसके बाद मूविंग एंड इंस्ट्रूमेंट में होता है. धर्मेंद्र बुंदेल जी कह रहे हैं टॉर्क टू वेट रेशियो लो, तो जी हाँ बिल्कुल लो होता है. पीएमएमसी से तो कम होगा ही होगा, क्योंकि पीएमएमसी का टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे ज्यादा होता है, और उस पर मैं एक न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ. ठीक है, उस पर मैं एक क्वेश्चन भी करा चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में. टॉर्क टू वेट रेशियो इज हाइएस्ट इन पीएमएमसी, तो इस चीज को ध्यान में रखो. चलो, वेरी गुड. चलिए, नेक्स्ट आपका मूविंग एंड इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर खत्म होता है. ठीक है, और मूविंग एंड इंस्ट्रूमेंट में मीटर मीटर इसमें भी वोल्ट मीटर वगैरह हैं. कंडीशन ऑफ लीनियरिटी भी है, तो लीनियरिटी की कंडीशन में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. डीएल बाई थीटा इंटू डीएल बाई डीटी जो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ये या आप याद कर लो. लीनियरिटी की कंडीशन है थीटा इंटू डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया. ठीक है, तो तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ा दिया उतना फोकस करो, उतना ही अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, जितना अभी तक मैंने प्रीवियस क्लासेस से अब तक करा दिया है. आपको पीडीएफ इसकी मंडे को मिल जाएगी. इससे रिलेटेड क्वेश्चन में जितना हो सकेगा नेक्स्ट वीक में आपको इसका एक लाइव टेस्ट करा लेंगे. ठीक है, क्लासेस के दौरान ही आपका एक टेस्ट हो जाएगा. सारे जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल और मेजरमेंट. ठीक है, तो मशीन से दोनों टॉपिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल के पूरा टॉपिक, और आपका मेजरमेंट में जितना पढ़ा दिया उसका कंबाइंड टेस्ट एक हो जाएगा आपका लाइव टेस्ट. या तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप एक फिक्स टाइम रख लेंगे, उस टाइम पे आप टेस्ट दे लीजिएगा. ठीक है, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं कि जो थी मूविंग आयरन जो यूज किया जाता है वो आयरन की डिस्क आपकी निकेल आयरन अलॉय की होती है. ठीक है, किसकी होती है? निकेल आयरन अलॉय की डिस्क होती है. और बियॉन्ड 125 हर्ट्ज तक के क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सूटेबल होता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी आपका फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए आए तो वहां पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी की कैपेबिलिटी दे रखी होती है, कितने हर्ट्ज तक कोई भी क्वांटिटी मेजर कर सकता है. तो वहां पर आप सब याद रखिएगा कि मूविंग एंड इंस्ट्रूमेंट आया तो 125 हर्ट्ज तक की क्वांटिटी को वो मेजर कर सकता है, क्योंकि एडी करंट उसके बाद क्या हो जाते हैं? कॉन्स्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल अब. ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज हो जाएगा यार, जब एसी ब्रिजेस कराऊंगा अनीता कुमारी तो मैक्सवेल ब्रिज भी हो जाएगा. थोड़ा बहुत लाइक कर दो, 194 लाइक्स हैं, 325 स्टूडेंट्स, 325 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 194-195 लाइक हैं. तो इस लाइक को बढ़ाओ अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो. बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय.